बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आपको कुंदू वाली शलवार बनाने का तरीका बताऊंगी। शलवार की लंबाई है 34 इंच। डेढ़ इंच हमने नेफा फोल्ड करना है और वो रखना है। असल चौड़ाई 5 की 8 इंच है, मैं रख रही हूँ 7 इंच। 1 इंच कुंडी में जाएगा। कपड़े की चौड़ाई है 14 इंच। जितनी इस कपड़े की लंबाई रखी उतनी ही इस कपड़े की लंबाई रखनी है। अब यहाँ से आसन की लंबाई का नाप लेना, 14 इंच। ये जो अजाफी कपड़ा है इसकी कटाई कर लेना। यहाँ से भी इतना ही रख लेना, 14 इंच। इस तरह से इसकी भी कटिंग कर लेंगे। एक कट मैंने ये लगाया 1.5 इंच का एक कट ये लगाया और एक इधर लगाया। अब
इसकी नोक से ऐसे पकड़ना, इसी तरह यहाँ से पकड़ना, इस तरह से कर लेना। बराबर कर लेना इसी तरह। अब इसकी कटिंग कर लेनी है दरमियान से। तेईस इंच की चौड़ाई मैंने रखी है, ऊपर से रखूँ 21 इंच, ऊपर से 21 इंच मैंने रखी है इसकी चौड़ाई। एक इंच और मैं कटिंग कर लूंगी। कटिंग मैंने मुकम्मल कर ली है। अब मैं इन पीसों को अलग कर लूंगी। पहले मैं पहले मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी दोनों तरफ। ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब मैं पांचे वाला कपड़ा जो है वो इसे अटैच कर लूँगी। दो कुंदे मैंने इधर अटैच किए हैं, दो कुंदे इसके साथ इधर अटैच करूँगी। साइड पे कपड़ा मैंने अटैच कर दिया। डेढ़ इंच से थोड़ी सी कम बुकरम ली है मैंने। अब मैं इस कपड़े पे रख के सिलाई लगा लूंगी। इस तरह से रख लेना।
पांचा मैंने इस तरीके की मदद से फोल्ड कर लिया। कुंदूम वाली शलवार मैंने मुकम्मल कर ली है। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।